के साथ कहना पड़ रहा है। आज छठा दिन हो गया, किसी को भी किसानों के को लेकर कोई चिंता नहीं है। हमारे खेत में तैयार फसल हमारे सामने ही सड़ रहे हैं। हम विवश हैं कि करें तो करें, हम क्या करें। हमारे यहाँ पर साल में एक ही फसल होता है, अगर ये फसल ख़त्म हो जाए तो हम अपने बाल बच्चों को किस तरह से सर्दियों में पालेंगे, उन्हें हम क्या खिलाएंगे। किसी को कुछ भी नहीं फंसी है। अगर सरकार और हमारे जो स्थानीय मंत्री जी, अगर इन्हें हमारे लाहौल के जो पटन बेल्ट, मयाड़ बेल्ट, चोखंग बेल्ट, आपके योबरंग, आपके नालडा बेल्ट वालों की चिंता होती तो मैं कहता हूँ कि भी इतना बड़ा काम भी नहीं था। ये सड़क 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रैक्टर और जीप के योग्य खुल सकता था, जिससे हमारी सब्जी मतलब सब्जी मंडी तक पहुँचाने के लिए हमें थोड़ा आसानी हो जाता। लेकिन इन्हें हमारी कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि 2018 में भी यहाँ पर त्रासदी आई थी। सितंबर महीने में भारी हिमपात हुआ, जिससे हमारे नकदी फसल तबाह हो गए, हमारे सेब के पेड़ टूट गए, जिन्हें हमने अपने बच्चों की तरह पाल के बड़ा किया था, और मुआवजे में हमें जीरो मिला, कुछ नहीं मिला। पटवारी आए, उन्होंने देखा, सर्वे किया, हाँ जी आपका क्या क्या नुकसान है, फोटो फाटो निकाल के ले गए, लेकिन बदले में हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। इसलिए हम सरकार से फिर हाथ जोड़कर गुहार करते हैं कि आप हमारे दुख दर्द को समझिए, हमारे दुख दर्द को समझिए, हमारे बाल बच्चों के बारे में सोचिए, हमारे खड़े फसलों को देखिए, आके देखिए, मुआयना कीजिए, फ़ोटो खींचने और मीडिया में अपने नाम को चमकाने के लिए मत बैठिए, धरातल पर आइए और हमारे किसानों के जो तैयार फसल हमारे सामने ही जो सड़ रहे हैं, इनको निकालने के लिए जल्द से जल्द, मतलब हम नहीं बोलते कि ट्रक और बस योग्य सड़क बनाए, आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो ट्रैक्टर और जीप योग्य सड़क बनाइए, जिससे हम यहाँ से बड़ी गाड़ियों में ले जा सकें जहलमा तक। जहलमा से हम ट्रक या छोटी गाड़ी के माध्यम से हम छांचा और जहलमा के नालों को क्रॉस करके वहाँ से फिर से हम बड़ी गाड़ी में सब्जी मंडी तक अपने फसल को पहुँचा पाए। पूरा नहीं तो जहाँ जैसे इस खेत में मेरा लगभग कोई 200-250 पेटी तैयार होता है गोभी, अगर मैं 200-250 पेटी नहीं तो कम से कम 100 पेटी में सब्जी मंडी तक पहुँचा के अपने बाल बच्चों के लिए सर्दियों के लिए राशन का जुगाड़ तो कर सकूं। इसलिए मैं फिर से विनती करता हूं आपसे कि भाई हम किसान भाइयों के बारे में सोचें। मैं अकेला नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर पटन घाटी, मयाड़ घाटी, चोखंग बेल्ट, योबरंग बेल्ट, आपका नालडा बेल्ट, सभी किसानों के बारे में सोचिए आप। राजनीति मत कीजिए, जल्द से जल्द रोड खोलने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो तैयार फसल है ये किसी का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि ये इंतज़ार नहीं करेगा कि भाई सड़क खुलेगा तब जाके मैं मतलब साइज तब जाके गोभी, ये नहीं कहे कि भाई जी जब तक सड़क ना बने तब तक मैं बड़ा नहीं होगा, मैं तैयार नहीं होता हूँ, क्योंकि ये इंतज़ार नहीं करेगा सड़क बनने और ये क्या बोलते हैं रोड दुरुस्त होने के लिए। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द आप सड़क खोलिए। सड़क खोलने के लिए मतलब ज़्यादा नहीं तो टेम्परेचर ट्रैक्टर और जीप होने सड़कों में, जहाँ पर जिस नाले में पानी बहता है वहाँ पर बड़े बड़े पाइपें लगाए, क्रेट के डंगे लगाए, जिसके ऊपर से गार्डर वगैरह बिछा के ट्रैक्टर और जीप को क्रॉस कर सके हम, जिससे मतलब हमारी जो नकदी फसलें हैं ये सब्जी मंडी तक पहुँचे। धन्यवाद।